छोलिया वाले चावल। छोलिया वाले चावल बनाने के लिए ये देखिए कितने ही स्वादिष्ट बने हुए हैं, देख के मन करेगा आपका एकदम इसको बनाने के लिए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए। आइए इसको ये देखिए छोलिया और प्याज, इसको अब हमने काट के अच्छे से पानी में भिगो दिया। इसको और प्याज को, दो प्याज हमने लिए, उसको लंबा लंबा काट लिया। और इसके लिए तड़का लगाने के लिए हमने कढ़ाई में घी डाला, आप रिफाइंड या घी कुछ भी डाल सकते हैं। उसमें एक चम्मच जीरा डाला, दो चार कली लहसुन की डाली जो बारीक काट दिए। इसको अच्छे से भून जाएगा, फिर हम ये देखिए जीरा भी हमारा अच्छे से भुन रहा है। अब इसको छान के अच्छे से ताकि पानी बिल्कुल ना जाए, और धोया तो है इसको हमने, ये देखिए ये इसको अच्छे से छान के इसमें डाल देंगे कढ़ाई में। इसको 5 मिनट भून लेंगे ताकि ये गलने लगे हल्का सा। अब हम हरी मिर्च जो हमने 3 से 4 बारीक बारीक काटी है ये डाल देंगे। इसमें मसाले में हमने लिए किचन किंग, नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी और पिसा धनिया, ये चारों चीजें अब हम इकट्ठे डाल देंगे। ये देखिए चावल हमने जो 1.5 गिलास लिए थे ये भी हम डाल देंगे इसमें। और हमने 1.5 गिलास चावल लिए हैं तो हम 3 गिलास पानी डालेंगे, जितने चावल हैं उससे 2 गुना पानी। इसको बस हम हिला के और गैस सिम पे करके ढक के रख देंगे। ये देखिए सिम पे ही हमने चावल बनाए हैं और देखिए कितने ही टेस्टी चावल बने, एक एक दाना अलग है और छोलिये का टेस्ट इसमें आने से बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है। इसको आप दही के साथ सर्व करिए, हरी चटनी के साथ, पुदीने वाली चटनी के साथ, अचार के साथ, बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरह अगर आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही टेस्टी बनेगा। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा। बाय बाय।